दमोह जिले के बटियागढ़ छतरपुर स्टेट हाईवे पर बटियागढ़ थाना पुलिस ने भैंसों से भरे एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा है। दरअसल भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को और गौ सेवकों को कंटेनर ट्रक में पशु तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद संगठन सदस्यों ने बटियागढ़ थाना TI नेहा गोस्वामी को सूचना दी और बाईपास पर कंटेनर ट्रक को रोककर पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसमें 29 नग भैंसें परिवहन होना पाया गया। पुलिस ने करीब 10 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने कंटेनर ट्रक को भी जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। थाना स्टाफ को जरिया मुख में सूचना प्राप्त हुई थी कि दमोह तरफ से एक कंटेनर में मवेशियों को अवैध परिवहन करके ले जाया जा रहा है, महुआ तरफ ले जाया जा रहा है। जो सूचना की तस्दीक पर बटियागढ़ बाईपास पर कंटेनर क्रमांक UP 22T 5350 को दस्तयाब किया गया, जिसमें से 29 मवेशी को अवैध परिवहन करते पाए जाने पर लगभग 10 व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लाई से आ रहा था तो जैसे हम लोग भी दमोह से आ रहे थे, पीछे देखा कि इसमें मूत और भूसा गिर रहा है, गोबर भी गिर रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि इसमें क्या है मतलब, तो पीछे किया और फिर पुलिस को सूचना दी, पटियाला पुलिस को, TI मैडम को। तो तुरंत TI मैडम ने बाईपास अपने पटियाला के बाईपास पे पुलिस भेजकर इस कंटेनर को पकड़ा गया। क्या भरा हुआ कंटेनर इसमें जब देखा गया तो 28 नंग भैंसे भरी हुई थी। कहाँ से कहाँ कंटेनर जा रहा था ये? तो अभी छतरपुर रोड जा रहा था ये, इमलाई से।